दिल्ली से ये बड़ी खबर, जहां आज डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से सीबीआई पूछताछ करने वाली है। पूछताछ से पहले सीबीआई मुख्यालय के बाहर जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, भारी संख्या में पुलिस वालों की तैनाती की गई है। सिसोदिया के घर के आसपास भी धारा 144 लगा दी गई है, ताकि किसी भी तरह का हंगामा या प्रदर्शन रोका जा सके। दिल्ली में सीबीआई मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ाई गई है। आज सुबह की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, सुरक्षा बढ़ा दी गई है दिल्ली में सीबीआई मुख्यालय के बाहर। दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग की है, अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। अमित, तस्वीरें अगर आप दर्शकों तक पहुंचा सकें, किस तरह की तैयारियां वहां पर की गई हैं, क्योंकि आज हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता किसी तरह का प्रदर्शन भी वहां करें। जमलिका, सीधे तस्वीरों से आपको रूबरू कराते हैं। ये AB 17 बंगला ठीक इस स्ट्रेच के बीचों बीच है, और देख लीजिए किस तरह से बैरिकेडिंग यहाँ पे की गई है, कई लेयर्स की बैरिकेडिंग, और उसके साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है। और ये वो जगह है जहां हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे मीडिया को रोक दिया गया है, यहाँ पैरामिलिट्री फोर्स डिप्लॉयड है, दिल्ली पुलिस के जवान डिप्लॉयड है, और हालात घर के बंगलों के एक तरफ ऐसे है तो तस्वीरें दूसरी तरफ इससे ज्यादा और ज्यादा सुरक्षा आपको दिखाई देगी। बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान वहां पे खड़े हैं और वाटर कैनन्स को लगाया गया है, साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के कई सारे जवानों को तैनात किया गया है। पूरी तैयारी इस लिहाज से की गई है कि असल में पिछली दफे जब जन्माष्टमी के दिन सीबीआई की रेड यहां पे मनीष सिसोदिया के घर पे पड़ी थी, तो उस दिन हमने देखा था कि लगातार प्रदर्शन का दौर चला था। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मनीष सिसोदिया के समर्थन में उतरे थे, तो संभावनाएं ये हैं कि उसी तरह की तस्वीरें आज भी देखने को मिल सकती हैं, और इसी वजह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। और इसके साथ साथ क्योंकि पिछले 6-8 महीने से लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस हमलावर रही है मनीष सिसोदिया पे, आम आदमी पार्टी पे, और कई सारे प्रदर्शन हुए हैं मनीष सिसोदिया के घर के बाहर, तो इस लिहाज से भी संभावना बन करता भी यहाँ पे प्रदर्शन करने आ सकते थे। तो जी शुक्रिया आपका जानकारी पहुंचाने के लिए।